आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी सहित कई मंत्री विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा नए सिरे से मोर्चेबंदी की तैयारी में जुटी है। पिछड़ों को साधने के अलावा पार्टी की नज़र अब बसपा के दलित वोट बैंक पर भी है। भाजपा ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले पार्टी गैर जाटा वोटों पर ही ज़्यादा फोकस कर रही थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाल ही में पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में संकेत दिए थे कि बसपा और सपा के बूथ स्तर के लोगों को भाजपा से जोड़ने की मुहिम चलेगी। पार्टी ने अब उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल दलित राजनीति के बूते ही बसपा ने सूबे की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया था। उसमें भी सबसे ज़्यादा भूमिका जाटवों की थी, जिनकी दलित में संख्या सर्वाधिक है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव हो या बीते विधानसभा चुनाव, जाटव समाज ने बसपा का दामन नहीं छोड़ा। यही कारण है कि बसपा के वोट प्रतिशत का बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। मगर इस बार सत्ता को लेकर सर्वाधिक जोर आजमाइश भाजपा और सपा के बीच ही चल रही है। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने को भाजपा ने अब बसपा के मजबूत वोट बैंक में भी सेंध मारे के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने 11 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान भी शुरू किया है। इसके साथ ही पार्टी पिछड़ों और दलितों को लेकर अलग मुहिम छेड़ने जा रही है। तो वहीं बता दें कि पार्टी के पास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध है। इसमें से पिछड़ों और दलितों का डेटा अलग किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके आधार पर दलितों और पिछड़े जातियों के लाभार्थियों के बीच पार्टी विशेष संपर्क अभियान के जरिए अपनी पैठ बढ़ाएगी। ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ खासतौर से इन्हीं वर्गों के गरीब तबके को हुआ है या फिर नहीं। अब तक लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।